हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मतलब युग गठन, ये होता क्या है। तो युग गठन एक रीजनिंग का टॉपिक है जो बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं इसे। इसके अपन 3 से 4 नंबर ये कम से कम रखता है वेटेज। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इसको देखने को मिलता है कोई से भी एग्जाम में। तो ये होता है क्या है, बहुतों को तो ये नहीं पता। मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, ओनली बस ये पता चलाना है वो होता है क्या है टॉपिक। टॉपिक ये होता है सब डिप्लोमेसी में, ऐसे जैसे अपन को एक दे दिया डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। तो अपन को इस डिप्लोमेसी में, अब क्वेश्चन बोल रहा है शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। और अपन इसको समझ नहीं पाए कि बोलना क्या चाहता है, मना है कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो बोलने का मतलब इसका सीधा सीधा यही है, जैसे डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी। चलो मैं आपको वैसे सिखाता हूँ कुछ। जैसे मान लो, यानी अपन को दिया है ए बी सी एफ। अब ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ये सही है। और बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो ये सही है। तो इसमें युग्म गठन कितने हो गए, ए के बाद बी है, ए के बाद सी और बी सी। अब यहाँ पे डी आना चाहिए था तो, लेकिन एफ आया है, तो मतलब यानी सी तो ये नहीं है, एक बी सी डी। तो ये युग्म गठन नहीं बन पा रहा। जैसे अपन अब डिप्लोमेसी में देखते हैं कि डिप्लोमेसी तो DIPLOMACY डिप्लोमेसी हो गया। अब डी डी सी डी डी ई आना चाहिए था लेकिन आई है, तो मतलब यानी ये नहीं बन पा रहा। एफ आना चाहिए था, नहीं बन पा रहा। जी आना चाहिए था, नहीं बन पा रहा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, डी से लेके इनके नीचे लेटर लिखेंगे, जैसे डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो इनमें से देखेंगे कौन सा पेयर मैच हो रहा है क्या, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। तो मतलब यानी डी से कोई भी वो नहीं बन पा रहा युग्म गठन। अब आई से आई जे के एल एम एन ओ पी देखेंगे कोई सा बन पा रहा है क्या। तो आई से नहीं बन पा रहा, आई से कोई नहीं बन, जैसे एक बन रहा है, आई से कौन सा बन रहा है, एम, एम के प्लेस पे एम ही आ रहा है, उसके बीच में जो आ रहा है उससे मतलब नहीं है। जैसे आई, तो आई के बाद पी एल ओ एम, तो चौथे आई से चौथे स्थान पे कौन सा आया, एम। तो आई से इधर चौथे स्थान पे एम आ रहा है, सही है। मतलब तो एक तो युग्म गठन बन गया आई का एम से एक। तो इसने पूछा ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, कितने युग्म हैं, तो अभी तो बना है एक। फिर आई से एम बन गया, और कोई बन रहा, नहीं बन रहा। फिर पी से क्यू आर एस टी यू बी नहीं बन रहा। फिर एल से एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा। ओ से ओ पी क्यू आर एस नहीं बन रहा। एम एन ओ पी नहीं बन रहा। ए से ए बी सी नहीं बन रहा। सी से सी डी नहीं बन रहा। अब ये तो हो गए सीधे, इसी प्रकार उल्टा भी चेक करना है अपन को कि कोई उल्टा तो नहीं बन रहा। तो उल्टे में अपन को क्या देखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी का आई से भी बन रहा है एक, तो ये बन गया सी का आई से। और कौन सा बन रहा है, और भी चेक करेंगे कि और कोई सा तो नहीं बन रहा। एक तो सी का आई से बन गया, और एक बन रहा है इसमें एम का बन रहा है, कौन सा, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम का पी से बन गया। तो नंबर ऑफ युग्म कितने आ गए, 3। तो इसमें टोटल जैसे मैंने नीचे बता रखा है, एक तो बन रहा है आई का सी से, आई का बन रहा है सी से, मतलब सी ई एफ जी एच आई जे, सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ये तो सी का आई से बन गया। फिर एक एम का पी से, और एक बन रहा है अपना आई का एम से, आई जे के एल एम। तो नंबर यूं कितने हो गए इसमें, 3। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो अपन को क्या थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी था। अब इसमें अपन को जैसे अपन ने लिख लिया स्टूडेंट, स्टूडेंट में अब अपन को स्टूडेंट, अपन को क्या लेटर देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कुछ नहीं, इनके नीचे सबसे पहले लिख लो नंबर, लिख लो जैसे मैंने नंबर लिख लिए 19 20। एस का नंबर प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस कितना होता है 19, यू टी का 20, यू का 26, 26 नहीं कितना होता है, यू का 21, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20। तो मैंने इनके क्या लिख लिया, नंबर ऑफ प्लेस लिख लिया। अब मुझे इनको नंबर से देखने में बहुत आसानी है, जैसे 19 के बाद 20 आता है तो सही है, तो मतलब एस का टी से बन गया। 19 के बाद 20 21 आता है, सही है, तो एस का यू से बन गया।
फिर एन के बाद अब पता है हमको 19, 20, 21, 22, 23 आना चाहिए, लाइन चार चार आ रहा है, छोटा आ रहा है, दोनों नहीं है, ये पांच वाला भी नहीं है, 19 से तो बड़ा ही आएगा। अब 20, तो 20 तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ तो कितना आएगा, 21, 22, 23, 24, 25 आना चाहिए था, लेकिन नहीं बन पा रहा। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ यू को बने, एस से दो, एक तो टी और एक यू, ऐसे टी और ऐसे यू। फिर अब टी से देखेंगे, टी 20 है तो 21, ये तो टी का यू से बन गया। फिर और 20 के बाद कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, तो अब हम देखने की जरूरत भी नहीं है, बड़ा आएगा तो ही बन पाएगा। 21, 22, 23, 24, 25 है ही नहीं। फिर 21 का देखेंगे, 21 के बाद 22, 23, 24, 25 है ही नहीं। फिर 4 का 5, तो डी का ई से, तो ऐसे कितने बन गए अभी तक, 4 बन गए डी का ई से। फिर 6, 7 है ही नहीं, फिर बहुत अंतर, 5 के बाद बहुत अंतर आगे है ही नहीं, 14 के बाद ये भी नहीं बन रहा। तो ये तो हो रहे सीधे, अब उल्टा देखना है अपन को कि उल्टे में कौन सा बन रहा है। तो 20, 20 के बाद इधर 21, 22, 23 नहीं है, बहुत दूर है। 14 का 15, 16, 17, 18, 19 ये बन गया, एन का एस से बन गया। फिर 5 का, तो ऐसे अपने कितने बन गए इसमें, 5। अब अपन को वो बोले नंबर ऑफ यंग कितने बन रहे, टोटल नंबर ऑफ यंग, तो अपन को देना है 5। लेकिन अपन को यदि वो बोल दे नंबर ऑफ यंग कितने बन रहे, ओनली वो बोल दे ऑर्डर में, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ यंग बने एक तो डी से आई सीधा, और उल्टे बने 2, 2, 4। इसमें बस एक चीज लफड़ा यही पड़ता है कि अंग्रेजी वर्णमाला ऑर्डर्स में है, क्रम में है, ऑर्डर्स मतलब यानी क्रम में, तो उल्टा चेक नहीं करना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन यदि इसमें बोल दिया नंबर ऑफ टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल यंग है, टोटल आ गया, तो इसमें हो जाएगा 2, 2, 4, 5 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है अपन को इसमें, बस एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि इनके नंबर काउंटिंग सही, जितने अक्षर बीच में है उतने प्लेस होना चाहिए। जैसे एस का तो टी, तो 19 का 20 आता है, सही है। अब जैसे इसमें बना एक तो डी का आई से बन गया, डी का आई से कैसे बन गया, ये वाला कौन सा डी से आई बना है, ये वाला, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 तो डिप ऐसे। तो युग गठन बोलता है क्या है अपन को, कि ऐसा कि ऑर्डर देखना अपन को, सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर अंग्रेजी कन्वर्णमाला में ऑर्डर, मतलब यानी ऑर्डर देखो कि बीच में कितने लक्षर लेटर के बाद अपना लेटर रिपीट हो रहा है, कि अपना ऑर्डर सही है क्या। जैसे स्टूडेंट में 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, ये सही है। सबसे पहले उनके नंबरिंग कर लो, फिर उनके बाद गिनती कर लो, तो ऐसे अपन उनके यंग गठन पहचान सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे अपन अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलो मैं अब इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ कंप्यूटर में। जैसे ये है कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में अपन को देखना है वर्णमाला में है, अब इसने बोला वर्णमाला में है, तो अपन बोलने सीधा देखना है इसमें वर्णमाला और एक क्रम में है, तो वर्णमाला में तो मतलब नहीं, अपन को उल्टे और सीधे दोनों साइड से देखना है। टोटल पूछा है इसने वर्णमाला, इसने बोला नहीं है क्रम में, तो इसमें ओनली दोनों साइड देखना है। जैसे अब मैंने सबसे पहले क्या किया, नंबरिंग की, तो सी का 3, ओ का 20, एम का 13, पी का 16, यू का 21, टी का 20, ई का 5, आर का 18। तो अपन सबसे पहले तो इनके नंबरिंग याद रखनी है कि सी कौन से नंबर पे आता है, 3, हाथों हाथ देखते ही याद हो जाने चाहिए। तो अपन सी का, अब इसमें मैंने क्या किया नंबरिंग लिखी, अब 13 के बाद गिनती पढ़ना चालू करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये बन गया, एम का आर बन गया। फिर अपन को देखना है 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, फिर 21 का 22, 23, 24 नहीं, 20 का 21, 22 नहीं है। फिर अपन को उल्टा देखना, 18, 19, 20 ये तो आर का टी से बन गया, 21 ये बन गया आर का यू से, 22, 23 है ही नहीं, फिर ई का 5, 6, 7 बहुत अंतर आ गया, टी का यू से बन जाएगा ये 20, 21। तो ऐसे इसमें नंबर ऑफ यू कितने आ गए, 4। तो अपन को ये बस यही पहचानना है कि नंबर ऑफ यू कितने हैं, मतलब रिपीट काउंटिंग, मतलब यानी फिक्स नंबर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो बस यही है अपना नंबर ऑफ यू को पहचानना। थैंक यू गाइज।